छुयन कहती है कि तुमने मुझे घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने को कहा, मैंने किया, और तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने वो सब किया। क्या वो सब काफी नहीं था? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ जो जब चाहा खेल लिया और जब चाहा तोड़ दिया? तुम चाहते क्या हो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? टेंगशेंग कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, बस मेरी वाइफ बनकर रहो। छुयन कहती है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती, तुम्हारी वजह से मेरे डैड मरे, मेरी फैमिली टूट चुकी है, क्या तुम मुझे जाने दोगे? ये सुनकर टेंगशेंग उसका गला दबाकर कहता है कि तुम अपने डैड की मौत का ब्लेम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? तुम्हारे डैड मर चुके हैं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा एक भाई भी है। छुयन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे मेरे भाई से डराना यूजफुल है? टेंगशेंग कहता है कि ये तो तुम ही जानती हो कि यूजफुल है या नहीं, और मैं तुम्हें ये धमका नहीं रहा, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र है, और तुम्हारा भाई थोड़ा गुस्सेल है, तुम्हें उसे एडजस्ट करना होगा। थोड़ी देर में डॉक्टर मू यहाँ आ रहा है, तो तुम कैसे बिहेव करोगी मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं। तभी मू फेंग आता है और पूछता है कि छुयन तुम ठीक हो? टेंगशेंग कहता है कि ये सो गई है, तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बता दो। मूफेंग कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। टेंगशेंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम्हें कोई हक नहीं। मूफेंग कहता है कि तुम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। टेंगशेंग हैरान होकर कहता है कि डिवोर्स, मुझे तो नहीं पता, अब मेरी वाइफ ने मुझसे कहा है कि वो मेरी बात मानेगी। मूफेंग कहता है कि तुमने उसे कितना नुकसान पहुंचाया, तुम्हें एहसास भी है? टेंगशेंग कहता है शायद इसलिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर मूफेंग उसे मारने लगता है, तो टेंगशेंग उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हें और जानना है हमारे मैरिड लाइफ के बारे में? अब तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि मुझे कैसे डील करना है। तभी छुयन कहती है कि बस करो, मुझे मूफेंग से बात करनी है। फिर वो मूफेंग से कहती है कि डॉक्टर, मुझे आज के बाद परेशान नहीं करना, मैं शेन को डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं पागल हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मूफेंग कहता है कि क्या इसने तुम्हें धमकाया? तुम मुझे सब बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें कोई नहीं धमका सकता। छुयन कहती है कि हम लीगल कपल हैं, आफ्टर ऑल हम फैमिली हैं, ये हमारा हस्बैंड वाइफ का आपस का मसला है, हम खुद इसे सॉल्व कर लेंगे, किसी को भी कोई हक नहीं इंटरफेयर करने का। ये सब कहने के बाद वो सोचती है कि सॉरी मूफेंग, मैं इसे अपने भाई को हर्ट करने नहीं दूंगी। टेंगशेंग कहता है कि समझ आ गया तुम्हें, तुम यहाँ से जा रहे हो या किसी को बुलाऊं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए? मूफेंग वहाँ से चला जाता है। टेंगशेंग छुयन के पास जाता है और कहता है कि गुड गर्ल। टेंगशेंग के मॉम डैड छुयन के पास आते हैं। मॉम छुयन को हग करके कहती है कि माय गर्ल तुम ठीक तो हो ना? छुयन कहती है कि मॉम मैं ठीक हूँ, मेरे डैड मुझे माय गर्ल कहकर पुकारते थे, तो प्लीज मुझे ये कहकर मत बुलाएं, लेकिन वो चले गए, वो मर गए, वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। सासुमा कहती है कि माय डियर तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे डैड गू हैं, तुम्हारे पास हम हैं और हमारे पास तुम हो, तो प्लीज रो मत। छुयन डैड की तरफ देखकर रो रही होती है। डैड कहता है कि टेंगशेंग कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, वो क्या कर रहा है? छुयन कहती है कि वो ऑफिस में है, वो बहुत बिजी है। डैड कहता है क्या बिजी, तुमसे भी ज्यादा उसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है? सासुमा कहती है सही कहा, कॉल करो उसे। डैड कॉल करने लगते हैं तो छुयन कहती है नहीं, कॉल नहीं करें, तो सासुमा कहती है कि हम हैंडल कर लेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारे डैड का सुनकर बहुत दुख हुआ, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। छुयन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहती है, तो सासुमा कहती है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। छुयन कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस घर जाना चाहती हूँ। सासुमा उसकी केयर कर रही होती है, तो टेंगशेंग कहता है तुम इसकी फिक्र ऐसे कर रही हो जैसे ये तुम्हारी सगी बेटी हो। सासुमा कहती है कि ये मेरी बेटी है, तुम क्यों इसे दूसरों से कंपेयर कर रहे हो? छुयन टेंगशेंग के साथ डैड के ग्रेवयार्ड में जाती है। छुयन को वहाँ देखकर हां शिन गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुमने मॉम और डैड दोनों को मारा, इसलिए तुम्हें भी मर जाना चाहिए, ऐसे भी ये सेमेट्री हान फैमिली के लिए है और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। ये सुनकर टेंगशेंग हां शिन से लड़ने लगता है, तो छुयन उसे रोकती है और कहती है कि हम सब मेरे डैड को लास्ट बार गुड बाय बोलने आए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई ड्रामा हो। टेंगशेंग कहता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। छुयन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए।
जिस वजह से टैंग शैंग को गुस्सा आता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाता है। घर आकर छू यिन उससे कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स तो दोगे नहीं, इसलिए मैंने कहीं और रहने का डिसीजन लिया है। ये सुनकर टैंग शैंग पूछता है कि कहाँ जाओगी तुम। छू यिन कहती है कि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर टैंग शैंग उसका गला दबाता है और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। छू यिन घर छोड़कर जाना चाहती है, जिस वजह से टैंग शैंग ने अपनी मॉम को घर बुलाया। मॉम छू यिन से पूछती है कि क्या हुआ, मुझे टैंग शैंग ने बताया तुम घर से मूव करने की बात कर रही हो, और कहती है कि होटल घर जितना कंफर्टेबल नहीं होता। वैसे भी मैं और तुम्हारे फादर इन लॉ वापस अपने होम टाउन जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मैरिड लाइफ इफेक्ट नहीं होगी, और अगर तब भी टैंग शैंग तुम्हें परेशान करता है तो तुम उसे स्टडी रूम में सोने के लिए बोल सकती हो या उसे घर से भी बाहर निकाल सकती हो। याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। छू यिन से बात करने के बाद वो टैंग शैंग के पास जाती है। टैंग शैंग पूछता है कि क्या वो मानी, तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, लेकिन तुम उसे परेशान मत करो और किसी भी चीज़ को करने से पहले उसे दो बार सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ये कहकर वो चली जाती है। मॉम के जाने के बाद टैंग शैंग को शाओ यू की कॉल आती है, जहाँ वो ड्रामा स्टार्ट करती है। उससे कहती है कि मेरे डैड को मेरा एड्रेस पता नहीं कहाँ से मिल गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है जिस वजह से रोज पता नहीं कितने लोग मेरे घर आते हैं। ये सुनकर टैंग शैंग कहता है कि तुम फिलहाल अपने घर मत जाओ। शाओयू कहती है कि मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, इसलिए क्या मैं तुम्हारे घर आकर रह सकती हूँ। छू यिन की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसका ख्याल रख लूंगी, उसने भी मेरी हेल्प की थी जब मैं बीमार थी। टैंग शैंग शाओयू को अपने घर ले आता है, जिसे देख कर छू यिन कहती है कि मुझे तो तुमने ऑर्डर दिया था कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन तुम खुद अपने लवर को घर ले आए हो। फिर शाओयू से कहती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो। ये सुनकर टैंग शैंग कहता है कि कुछ भी मत बोलो, मैं शाओयू को यहाँ इसलिए ले आया हूँ क्योंकि उसके घर में कुछ इश्यूज हैं। लेकिन छू यिन उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे तुम दोनों की स्टोरीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा जो दिल करे वो करो, जब तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें उसी वक्त डिवोर्स दे दूंगी, फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेना और अपनी तरफ से मैं तुम्हें गिफ्ट में वेडिंग रिंग भी भेजूंगी। ये सुनकर टैंग शैंग को गुस्सा आता है और कहता है कि कैसी वाइफ हो तुम, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की प्लानिंग कर रही हो। छू यिन कहती है हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओयू ब्रेकफास्ट बनाती है और छू यिन से कहती है कि आओ हम साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने टैंग शैंग की पसंद की सारी डिशेस बना ली। छू यिन कहती है कि मुझे ये सब नहीं खाना, कुछ हेल्दी खाना है। टैंग शैंग कहता है कि ये तुम्हारी नौकर नहीं है। छू यिन कहती है कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती, और वैसे भी इससे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने इसे खून दिया है तो इतना तो ये कर सकती है मेरे लिए, लेकिन छोड़ो। फिर वो मैड से कहती है कि कुछ लाइट डिशेज मेरे रूम में लेकर आओ। शाओयू सर्वेंट को पैसे देकर कहती है कि जैसे ही टैंग शैंग घर आए तो मुझे बताना, जिसके बाद वो छू यिन के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना सब किया, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। छू यिन कहती है कि टैंग शैंग घर पर नहीं है, इसलिए तुम अपना ये ड्रामा बंद करो, क्या तुम थक नहीं जाती ये ड्रामा करते हुए। शाओयू कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हें पता भी है कि टैंग शैंग सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है और तुम उसके लिए सिर्फ एक पालतू कुत्ता हो। तभी सर्वेंट जोर जोर से कहती है कि सर आप घर आ गए। ये सुनकर शाओयू इस बात का फायदा उठाकर जानबूझकर घिर जाती है और ड्रामा करने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर टैंग शैंग ऊपर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि छू यिन ने शाओयू को धक्का दिया, जिस वजह से वो उस पर गुस्सा करने लगता है। शाओयू अच्छा बनने का ड्रामा करती है और कहती है कि इसने ये जानबूझकर नहीं किया और मेरी ही गलती है, मैं तुम्हारे घर आकर रुक गई। टैंग शैंग छू यिन को माफी मांगने के लिए कहता है, मगर छू यिन मना कर देती है और कहती है कि ये डिजर्व नहीं करती। फिर वो शाओयू और उसकी मॉम की इंसल्ट करने लगती है। टैंग शैंग कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। छू यिन कहती है क्या हुआ, तुम्हारी लवर के बारे में ज्यादा कुछ बोल दिया, और वैसे भी कौन नहीं जानता इस बात को। ये सुनकर टैंग शैंग कहता है कि शाओयू से माफी मांगो, लेकिन छू यिन मना कर देती है। टैंग शैंग उसे जबरदस्ती पकड़ कर रूम में ले आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। छू यिन खुद को बचाने के चक्कर में टैंग शैंग को सीजर से मारती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।